अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। साथियों, आज की वीडियो में मैं तीन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक दोस्तों ये है कि न्यू वीज़ा जो स्टार्ट होगा वो कब होगा, वीज़ा का रेट होगा वो क्या होगा, और कुछ ऐसे देश दुनिया में हैं जो कुवैत में डायरेक्ट वीज़ा डायरेक्ट आ सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेकर, और कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट कुवैत में आ सकते हैं। और तो दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आज, तो वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही आपको जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे मतलब सॉरी कौन सा मतलब वो देश है जो बिना वीज़ा के कुवैत में एंट्री ले सकता है। तो दोस्तों वो सारे कंट्री है गल्फ कंट्री, यानी जैसे कि दोस्तों कुवैत तो गल्फ में आता ही है, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएई में दुबई, शारजा, अबू धाबी सभी आ जाता है, कतर वगैरह। तो दोस्तों ये पाँचों जो कंट्री है वो पांचों कंट्री के लोग कभी भी कुवैत में एंट्री ले सकते हैं, आपको किसी वीज़ा की जरूरत नहीं होता है। अब डायरेक्ट वो लोग डायरेक्ट कुवैत में एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग इसे कुवैत में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, कुवैत वाले भी डायरेक्ट एंट्री वो सब पांचों देशों में ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में छह गल्फ कंट्रियाँ, जैसे कि आपको पता है कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और कतर है। तो ये सब देशों में दोस्तों सभी के अच्छी ताल्लुकात है, इसमें वीज़ा लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मतलब उनको एंट्री दी जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई मतलब जो डायरेक्ट कुवैत वापस अंदर आ सकते हैं। अब बात होती है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, तो दोस्तों ये जो नॉर्थ में जो आता है, नॉर्थ ईस्ट में, वो सब देशों क्या है डायरेक्ट वो कुवैत में आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर उतरना होता है, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहाँ उनको वहीं पर वीज़ा इशू कर दिया था, ऑन अराइवल वीज़ा। तो दोस्तों ऑन अराइवल वीज़ा उनको एयरपोर्ट पर दे दिया जाता है, उनको 5 दिनार 10 दिनार जो जो भी रेट होगा वो रेट लगता है, उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट उनको वीज़ा दे दिया जाता है, आपको उनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं होती है, ये सब देशों के आने की अनुमति है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वीज़ा का रेट क्या होगा और वीज़ा इशू कब होगा। दोस्तों वीज़ा इशू होने की अभी कोई गारंटी नहीं है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 जनवरी तक नया वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलोगा कि मैं आपने बताया था कि 2022 में सॉरी 2021 में वीज़ा इशू होना स्टार्ट होगा, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, उम्मीद है। अब दोस्तों बता दूँ, वीज़ा यदि इशू होगा तो वीज़ा का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, यानी डबल भी हो सकता है। क्योंकि सोचती हूँ इसका मेन रीज़न ये होगा कि वीज़ा उतना ही है जितना लोग मतलब वीज़ा लेना चाहते थे, मतलब इशू कराया जाएगा, पर लोग बढ़ गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए हैं, सभी को अब जाना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो वापस आए हैं सब बेरोजगार बैठे हैं हर एक कंट्री में, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश के हो, वो सभी बेरोजगार बैठे हुए हैं और सभी को जाना ही जाना है। तो वीज़ा का जहाँ पे दाम 10 रुपये था, मैं एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपये था, उसे बढ़ाकर 15 रुपये या फिर 20 रुपये तक भी वो जा सकते हैं, यानी डबल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं वीज़ा का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो यदि आप जाना चाहते हैं तो अभी से इंतज़ाम कीजिए पैसे का, क्योंकि दोस्तों वीज़ा का रेट बढ़ेगा। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वीज़ा का प्रॉब्लम होता है जाने में, वो सबसे ज़्यादा एशियाई लोगों को होता है, सबसे ज़्यादा एशिया के लोगों को वीज़ा वहाँ पर कम दिया जाता है, मतलब दिक्कतें होती लेने में, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कैसे लेना है, उनको तरीका भी सही से पता नहीं होता, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि दोस्तों ये सब देश के ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करने ही जाते हैं, लेबर वगैरह में ही जाते हैं। तो साथ ही इन टॉपिक पर मुझे बात करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मुझे सवाल आ रहा था, कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जवाब मिल सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते साथ नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।